राज्यों में तो कोरोना के थर्ड वेव का असर दिखने लगा है। हालांकि दिल्ली मुंबई में एक दिन में दोगुने केस देखने को मिले हैं। आपको जानकारी दे दें, मुंबई में 2510 केस और दिल्ली में 923 कोरोना के केस आ गए हैं। देश में ओमिक्रॉन के केस 950 के पार पहुंच गए हैं, यानी बेहद करीब 1000 के हैं। और मुंबई में 7 जनवरी 2022 तक धारा 144 लगा दी गई। न्यू ईयर के जश्न में खास तौर पर पाबंदी है कि कोई न्यू ईयर का जश्न नहीं मना पाएगा सार्वजनिक तौर पर, ये मुंबई में कहा गया है। आर्थिक राजधानी मुंबई में 7 जनवरी 2022 तक धारा 144 लगा दी गई। फिलहाल 900 के पार केस हो गए हैं। दिल्ली के अंदर 263, महाराष्ट्र में 252, गुजरात के अंदर 97 केस हो गए हैं, राजस्थान के अंदर 69 केस और केरल के अंदर 65 केसों की संख्या हो गई है। हालांकि और भी राज्यों का जिक्र करेंगे, तेलंगाना में 62, तमिलनाडु में 45, कर्नाटक में 34, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में 16 केसों की संख्या है, हरियाणा में 12 केस तकरीबन बताए जाते हैं। हालांकि अगर बात करें पश्चिम बंगाल की तो 11 केस हैं, मध्य प्रदेश में 9 केस सामने आए हैं, इसी तरीके से ओडिशा में 9 केस सामने आए हैं, उत्तराखंड में 4 केस सामने आए हैं, जम्मू कश्मीर का आंकड़ा 3 का बताया जाता है। और जिक्र करें और भी राज्यों का तो चंडीगढ़ में 3 केस बताए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में 2 केस हैं, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में 1 केस की संख्या है, मणिपुर में 1 केस बताया जाता है, लद्दाख और गोवा में भी 1-1 केस ओमिक्रॉन वेरिएंट का बताया जाता है। फिलहाल हर एक राज्य का अपडेट आपको सुबह सवेरे दे रहे थे, जानकारी दे रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में धीरे धीरे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है, केजरीवाल की तरफ से कई पाबंदियों को भी लागू कर दिया गया है। फिलहाल केशव मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता है। केशव, जानकारी दीजिएगा, दिल्ली के अंदर पाबंदी है, महाराष्ट्र के अंदर भी खास तौर पर पाबंदी लगा दी गई, न्यू ईयर के जश्न में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं किस तरीके से उस पर भी असर पड़ रहा है, क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से खासकर? चलिए केशव, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत है, हम कोशिश करेंगे उसको दूर कर पाए और आपकी आओ दोबारा से हम ले और अपने दर्शकों को आप जानकारी दे पाए। फिलहाल आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, हर एक अपडेट सुबह सवेरे आपको मिल रही है और इस वक्त के बुलेटिन में आपको बता रहे हैं कि क्या राज्यों की स्थिति बनी हुई है।